अजमेर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मीडिया को डेमो के जरिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जानकारी दी गई। इस दौरान आरएएस भगत सिंह राठौड़ ने बताया कि बूथ पर M3 वर्जन की ईवीएम लगाई जाएंगी। इस डिजिटल डायनेमिक मशीन के साथ वीवीपैट और वोटर बोर्ड का साथ रहेगा। मशीन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। राठौड़ ने बताया कि कर्मचारियों को बूथ पर ले जाने के साथ ही मशीन का संचालन करने में भी मदद मिलेगी। ये जो प्रतिनिधिगण हैं इनको ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी गई थी यहाँ पे, और लोकसभा चुनाव 2019 के तहत जो मशीन काम में आने वाली M3 मशीन, इसके फीचर्स के बारे में बताया गया। क्या फीचर है इसके? ये मशीन जो नई आई है, इस मशीन में एक तो पहले 4 बैलेट यूनिट जुड़ सकती थी जिससे 64 कैंडिडेट का चुनाव कराया जा सकता। अब इसमें क्या है कि 24 मशीनें जोड़ी जा सकती है, वो 384 कैंडिडेट का चुनाव इस मशीन से अब कराया जा सकता है। और वीपेट जो पहले M2 था उसमें VSDU अलग लगाया जाता था, अब वो VSDU हमारे कंट्रोल यूनिट में ही इसमें M3 मशीन में आ गया है। तो इसमें कोई मशीन में कोई किस तरह प्रॉब्लम है तो ये सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट से इसको टेस्ट करके बता सकती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आइदर VU और वीपेट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई तो बैलेट